Welcome to AQ International, India's largest solar media. The reason why you are seeing this amazing smile on my face is because I'm having an interaction with Mr. Manish Singhala, who is the director of Pahal Solar. He's also an amazing person and you'll find it out why I'm saying that. Welcome, sir. Thank you, ma'am. हम हमारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाए उसके पहले आप कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर. पहल सोलार एक 5 साल पुरानी कंपनी है. हमने स्टार्टिंग लिया था 60 मेगावाट से, फिर हमने एक प्रोडक्शन लाइन ऐड किया और हमने किया 180 मेगावाट, फिर एक और ऐड किया और करंटली हम 210 मेगावाट पे है और हम धीरे धीरे 300 मेगावाट का नया जो 12 BB तक सेल है वो प्लान कर रहे हैं और उसके बाद एक और 300 मेगावाट का प्लानिंग है. पहला लाइन हमारा अराउंड आप गिन सकते हो कि मार्च तक आ जाएगा और बाकी का फॉरवर्ड का प्लानिंग है. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में अभी करेंटली पहल सोलर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? करंटली हमारा 210 मेगावाट है, 210 मेगावाट है. और एक्सपेंशन के प्लान्स क्या रहेंगे? हमारा 300 प्लस 300 का प्लान है. पहला 300 मार्च 2020 से पहले हो जाएगा और दूसरा 300 2020 में हो जाएगा, ऐसा प्लानिंग है. और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे 2020 के आगे फर्दर, करंटली हम आगे का प्लान इतना नहीं कर रहे हैं, हम बैकवर्ड मटेरियल का प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल ऐड करने से अच्छा है कि खुद का वैल्यू एडिशन बढ़ाया जाए. क्योंकि करंटली हर एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडिशन है 2 रुपए, मतलब अराउंड 10-15%, नॉट मोर देन दैट. तो हमारा प्लान है कि खुद का वैल्यू एडिशन बढ़ाया जाए प्रोडक्ट में, ना कि मेगावाट को गीगावाट, गीगावाट को आगे और प्लस किया जाए. ओके, आपके टॉप स्टेट्स क्या है जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा सप्लाई किया है? करंटली हमने गुजरात में अराउंड 50% हमारा सेलिंग गुजरात में है, फिर राजस्थान में जाता है, हिमाचल में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है. हमने साउथ में भी तिरुपति में 2 मेगावाट का खुद ने प्रोजेक्ट किया और वहाँ पे भी जाता है और बाकी ऑल ओवर इंडिया जाता है, लेकिन इतने स्टेटों में ज्यादा जाता है. CNI सेक्टर में सबसे टॉप स्टेट्स कौन से हैं और रेसिडेंशियल में टॉप स्टेट्स कौन से हैं? रेसिडेंशियल में टॉप गुजरात ही है, सबसे ज्यादा गुजरात में जाता है और जो दूसरे स्टेटों में हम कहे वो या तो इंडस्ट्रियल या फिर पार्क बेस्ड है. अच्छा, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के एस्पेक्ट में टॉप स्टेट कौन सा है? राजस्थान आप कह सकते हो. अच्छा. और हम गुजरात में बैठे हैं तो आप टॉप गुजरात ही रहेगा क्योंकि 50% अगर गुजरात में जा रहा है, इट मीन्स कि हमारा अगर रेसिडेंस हो या इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, ज्यादा गुजरात में ही जा रहा है. ओके, पॉलिसीज और रेगुलेशंस के टर्म्स में अगर हम बात करें BCD की, BIS की, ALMM की, जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है और जो पॉलिसीज ला रही है, उस पर आपके क्या व्यूज हैं, क्या विचार हैं? देखो, मेरा पॉइंट ये है, तीनों स्टेप्स हैं जा रहे हैं, तो पहले लेते हैं BCD. BCD में बोलता हूँ आना ही चाहिए क्योंकि इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, उनको एक बैक सपोर्ट चाहिए. रीजन एक ही है कि अगर आप BCD नहीं लाते हो तो सारे मटेरियल से भी हटाते. आज की डेट में मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं तो ड्यूटी है और मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी नहीं है. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाइना से मॉड्यूल लाते हो तो उसके साथ जो ग्लास आता है उसमें ड्यूटी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लास लाते हो तो ड्यूटी है. तो ये तो ऐसा हो गया कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप चाइना से इम्पोर्ट ही करो. इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ही बोल रहे हैं कि आप चाइना से इम्पोर्ट करो, आपको मॉड्यूल सस्ता मिलेगा. तो या तो सब मटेरियल पे लगा दो या फिर सब पे से हटा दो, या तो सारे मटेरियल पे भी होनी चाहिए और मॉड्यूल पे भी होनी चाहिए और किसी पे नहीं होनी चाहिए. अब आएंगे ALM या BIS पे, तो BIS इट्स गुड और ये होना ही चाहिए कि भाई इंडिया है, उसका खुद का स्टैंडर्ड होना चाहिए. दुनिया का 15% पॉपुलेशन हम है और हमारा खुद का स्टैंडर्ड अगर मॉड्यूल में 2 साल से पहला है, इसको 10-15 साल पहले आ जाना चाहिए था. अच्छा. और ALM का जो फोकस था कि भाई हम 10 GW एक्चुअल में इंडिया में करंटली है या नहीं, वो देखने के लिए ALM बनाया गया था और ऑलरेडी 12 GW तो रजिस्टर हो गया है. तो फिर भी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम BCD एक्सटेंड करेंगे, उसका रीजन मेरे को नहीं समझ में आता है कि अगर 12 GW इंडिया में है और इंडिया हर साल 10 GW से ज्यादा इंस्टॉल नहीं कर रहा है, तो फिर आप ALM कंपलसरी क्यों नहीं कर देते हो? कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट को ALM होना चाहिए, अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है तो वो होना चाहिए. थैंक यू, दैट इज रियली नाइस आंसर, थैंक यू उसके लिए. आपका अभी करंट BCD जो आया है उससे इसके कनेक्शन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने का क्या प्लान है? उससे क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा, आप उसको बेटर करेंगे? और अभी जो पॉलिसीज आ रही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और किस तरह से बढ़ेगी, इस पर आपकी कंपनी का क्या प्लान है?
आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2022 से 40% बीसीडी लगेगा। अब इसमें डेवलपर्स ये बोल रहे हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन देखो तो हर एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ये प्लान करके बैठा है कि उसकी चाहे कोई भी कैपेसिटी उसको डबल कर देगा बिफोर बीसीडी। तो अगर आपको मॉड्यूल की कमी है तो वो बात पूरी गलत है कि इंडिया में मॉड्यूल की कमी है, आपको चाहिए उतने मॉड्यूल है। और करंटली शायद सारे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के गोडाउन देखोगे तो फिल है, मॉड्यूल से भरे हुए हैं। तो शायद कोई ये बोले कि मेरे को 500 मेगावाट चाहिए तो सारे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन से वो निकल जाएगा, आप प्रोडक्शन भूल जाओ। तो बीसीडी होना ही चाहिए, और इतना सपोर्ट तो गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई अपने देश में कुछ चीजें बनाओ, रॉ मटेरियल पे भी बीसीडी होना चाहिए और मॉड्यूल पे भी होना चाहिए। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है। सिंस हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि मिस्टर मनीष हैज अ बैकग्राउंड इन टेक्निकल, सो मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आरएनडी का अभी प्रेजेंट डे में क्या सिनेरियो है, किस तरह से चल रहा है इंडिया में आरएनडी और आगे का क्या स्कोप रहेगा? मैं अगर मॉड्यूल की बात करेंगे तो इंडिया में करंटली आरएनडी जीरो है। इवन मेरी कंपनी में मॉड्यूल में हम इतना आरएनडी नहीं करते हैं, लेकिन जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है इसमें हम थोड़ा बहुत आरएनडी करते हैं, हमने कुछ मशीन खुद बनाए हैं। और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्शन लाइन है ना, उसमें सिर्फ दो मशीन ऐसे हैं कि जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकते, शायद मशीन मैन्युफैक्चरर वो मशीन भी बना दे, बाकी के हर एक मशीन मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अपने टीम के 3 से 5 बंदे लगा दे और उसको एक मंथ का टाइम दे तो वो मशीन बना के दिखा देंगे। क्योंकि कुछ मशीन ऐसे है कि जो एक कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बना सकता है वो भी 15 दिन में, जो हम नहीं बना रहे। हमने भी बहुत कम, हमने थोड़ा बहुत किया, आप कह सकते हो हमने कुछ मशीन बनाया है जो चाइना से हम 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डॉलर में परचेज करते थे, वो मशीन हमने बनाया है सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए में। तो उसमें आपको प्राइस बेनिफिट होगा और हमारी डिपेंडेंसी कम होगी टेक्नोलॉजी पे। एक ट्रेंड मैंने काफी ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम मॉड्यूल की मशीनरी आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। right. तो उसके पीछे क्या रीजन है और ये चीज को हम कैसे कर्व कर सकते हैं, इस चीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं? मैं उसमें बोलूंगा कि देखो, अगर इसका स्टार्टिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर नहीं करेगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कोई मशीनरी वाला करेगा। रीजन ये की है कि करंटली भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर 100 से ज्यादा नहीं है, उसमें भी ज्यादातर कंपनियां ये प्रायोरिटी रखती है कि पूरी लाइन इंपोर्ट कर ली। तो पूरी लाइन में देखो, कोई चीज स्टार्ट करने से आपको सबसे बड़ी चीज कभी नहीं बन सकती, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो वो मशीन की जो इजीली बन सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि सब खुद बनाए। इसमें गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं डाल सकती कि भाई ये मशीन आप इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी है, ये पे नहीं है, क्योंकि वो डिस्क्राइब करना बहुत टफ हो जाएगा। हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बना सकते हैं कि भाई ये 10 मशीन मैं खुद बना सकता हूँ, मुझे पता है, हर एक डायरेक्टर को पता है कि ये बन सकता है, तो हमको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए। इसमें कंपनी का जो बजट रहेगा वो कितना डिस्टर्ब होगा, क्या उससे उन्हें बेनिफिट होगा प्रॉफिट के टर्म्स में, इनिशियली लॉस होगा बाद में बेनिफिट होगा, क्या रहेगा इसका सिनेरियो? अगर मेरी बात मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कंपनी को बेनिफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस जीरो है। एक एग्जांपल से चलते हैं कि हम कन्वेयर यूज करते हैं, मान लो 3 बेल्ट कन्वेयर है, उसकी चाइना में वैल्यूएशन है अराउंड 1000 डॉलर, जिसमें हम 30-40% एडवांस देते हैं और बाकी का जब कंटेनर यहाँ पहुँचता है तब देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम इनडायरेक्टली 100% एडवांस ही देते हैं और वो 1.5 से 2 मंथ में हमारे पास आता है। वही कन्वेयर अगर आप इंडिया में बनाओगे तो 25,000 रुपीज़ से 30,000 में बन जाएगा और वही कन्वेयर 15 से 20 दिन में बन जाएगा। तो आप 3 महीने बाद या 2 महीने पहले पैसा देते हो और आप मशीन बना लाते हो और आप 15 दिन पहले पैसा दो और मशीन लाओ, आपको बेनिफिट 15 दिन में है। आप $900 मतलब अराउंड 70,000 रुपीज, तो 70,000 देते हो, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन देते हो और आप मशीन लाते हो और आप 25-30,000 या 35,000 देते हो और मशीन लाते हो, तो क्लियर दिखता है कि मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट है ही। मैं कुछ एक दो कंपनी को जानता हूँ जिन्होंने रियली में ये जो कन्वेयर सेटअप है वो पूरा इंडिया में बनवाया है, लेकिन एक ही कर सकते हैं उनका नाम, उनसे परमिशन मैंने नहीं ली है तो आई एम रियली सॉरी, बट बनाया है, मैं जानता हूँ और वो रियली में अच्छे इंसान है, मेरा उनसे कनेक्शन रहता है और मेरे मशीन बनाने में भी उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया था, जहाँ मुझे नहीं समझ आया। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रहा है?
मैं कहूँगा विल पावर नहीं है या किसी को बनाना नहीं है, मुझे तो यही लगता है। एक सिंपल सी चीज है, मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने 3.5 साल जापान में जॉब किया है और वहाँ पर मैंने 3.5 साल डिजाइन ही किया है। मैंने टोयोटा में जॉब किया है, वहाँ पर मैंने पूरे कार का डिजाइन कर रहा था, तो मुझे पता है कि ये चीज टफ नहीं है। हमको दिखती है टफ है लेकिन रियलिटी में नहीं है। तो वो चीजों की वजह से शायद किसी को विल पावर नहीं है, या ये कह सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को दूसरा नहीं करना है, या मेरे को टाइम नहीं देना है, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सबको, एक थोड़ा टाइम दो। टाइम नहीं देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किसी एक बंदे को बोलो कि भाई तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल में 2 मशीन मेरे को बना के दे, टाइम कैसे निकालेगा तू सोच ले। अच्छा। हमने ऐसे ही किया था, मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था कि ये 3-4 मशीन है, तुम चूज करो कितना बनाना है, अगर फेल हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्यों है। हमने 2-3 PLC जला दी, 1 मोटर जला दी, वो अगर सीखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे बनेगा। That's right. तो सीखना तो पड़ेगा, वो सब कॉस्ट मिला के भी वो चाइना से बहुत सस्ता पड़ता है। Okay. तो मेरा सजेशन है सब थोड़ा बहुत ट्राई करे, इजी है, बहुत इजी है। ओके, ऑन दैट नोट वी विल हैव टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, मिस्टर मनीष इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। इनसे कन्वर्सेशन करके हमारी पूरी टीम को ही काफी अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा रहा आपसे कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ये जो इशू आपने मेंशन किया है, वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू।